सब बढ़िया ही होंगे, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज बनाने जा रहे हैं हम शेजवान नूडल्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेजवान नूडल्स बनाने के लिए हम सबसे पहले नूडल्स को उबालेंगे, जिसके लिए हमने लिया एक पतीला, उसमें रख दिया पानी। अब उसमें डालेंगे हम ये आधा चम्मच नमक। नमक ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम बाद में सब्जियां पकाएंगे जब, तो हमने उसमें भी डालना है। और थोड़ा सा एक चम्मच के करीब तेल, और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसमें जब तक बॉईल आएगा उसके बाद हम इसमें नूडल्स डालेंगे। तो ये पानी में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक जो डाला हमने वो इनमें लग जाए। अच्छे से बॉईल करेंगे, 7 से 8 मिनट में बॉईल हो जाएंगे ये। तो ये 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो नूडल्स हैं वो बॉईल हो चुके हैं अच्छे से। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और नूडल्स का पानी सेपरेट कर लेंगे। तो हमने पानी अलग कर लिया है नूडल्स से, अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि हमारे नूडल्स जो है वो और ना पके भाप से, उनकी जो गर्माहट है वो दूर हो जाए। इसलिए हम इसमें ठंडा पानी डाल के इनको ठंडा होने छोड़ देंगे थोड़ा सा। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये नूडल्स जो है चिपके ना आपस में। अब हम शेजवान नूडल्स बनाने की तैयारी करेंगे, इसके लिए हमने लिया है कढ़ाई और गैस ऑन करेंगे। इसमें डालेंगे रिफाइंड, तेल गरम होने देंगे। तो हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम ये कटा हुआ अदरक और लहसुन की कलियां। हमने लहसुन चॉप कर लिए, 3-4 कलियां हमारी हरी मिर्च, ये भी 3 हमने अच्छे से काट लिए बारीक बारीक। अब इसमें डालेंगे प्याज, तो 2 प्याज है हमने बारीक बारीक कट कर लिए, लंबाई में कट करिए हमने। इनको एक साथ खिला के मैंने भी हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा थोड़ी देर। तो हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च हमने बारीक कट कर लिए, छोटी छोटी शिमला मिर्च 2 थी। और आधा ये है गाजर और ये थोड़ा सा पत्ता गोभी। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद होगी वो आप डाल सकते हैं। को मिक्स करेंगे, भूनेंगे। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, इसे हम मिलाएंगे और इसे पकने के लिए, कि नमक से अच्छे से हमारे जो सब्जियां गल जाती है। अब हम इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। हमारी सब्जियां पक चुकी है अच्छे से और इसमें हम डालेंगे शेजवान चटनी। हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, ये थोड़ा सा डालेंगे इसमें सोया सॉस, ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना तो कड़वापन आ जाता है। रेड चिल्ली सॉस, थोड़ा विनेगर, ऐसे अच्छे से हिलाएंगे। डालेंगे थोड़ा सा ये काली मिर्च का पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें 1 मिनट। इसे पकाएंगे इसमें मस्त, ये सारे मसालों के साथ। तो गाइस हमारी सारी सब्जी अच्छे से पक गई है मसालों के साथ, अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे और हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे, तो हमारे नूडल्स फूट जाएंगे। हमारे नूडल्स बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। गाइस हमारे ये नूडल्स शेजवान नूडल्स तैयार हो चुके हैं, हमने प्लेटिंग कर ली है धनिया पत्ती के साथ। आप भी जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिए ये रेसिपी हमारी। थी आज की हमारी रेसिपी, आई होप आपको जरूर पसंद आएगी। कमेंट करके जरूर बताना हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी,
और इस तरीके से बनाइए तो मतलब बहुत ही, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत स्वादिष्ट, बहुत लाजवाब, होटल जैसा स्वाद, जैसे होटल में खाते ना आप लोग उसी तरह का स्वाद आएगा। और आप जरूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसी बनी थी, बच्चों को खिलाएं और उनको खुश रखें। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना आप नए हो हमारे वीडियो में तो, और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी इसलिए बेल आइकन जरूर दबाना और अपना प्यारा सपोर्ट हमेशा बनाए रखना और रेसिपी जरूर ट्राई करके देखना, आपको पसंद जरूर आएगी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।